ये सोचा ही नहीं जा सकता आजकल के मॉडर्न एज में कि जो पॉवर्टी एलिविएशन है किसी भी मुल्क में, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई और मुल्क हो, वो टेक्नोलॉजी के बगैर हो सकती है, ये सोचा ही नहीं जा सकता, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए जो AI रेवोल्यूशन आ रहा है, जो आपके इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कार रेवोल्यूशन आ रहे हैं, बैटरीज के लोग बना रहे हैं, लाइट से लाइट बैटरीज, उसके लिए आपको बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसमें इंटरनेट टॉप पे लिस्ट में है। एक मिनट के लिए सोचें कि क्या अमेरिकन गवर्नमेंट ने खुद बैठ के फेसबुक बनाई थी? ऐसा नहीं था ना, बिल्कुल ऐसा मार्क ज़करबर्ग फेसबुक हिमसेल्फ, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया था जी। सही है, बिल्कुल इसी तरह ही जब आप किसी भी मुल्क में, हमारे यहाँ इनोवेशन बहुत है, हमारे जो लोग हैं उन पे बहुत टैलेंट है, आप गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना होता है कि वो उनको एनेबलिंग एनवायरनमेंट फराहम करती है, और वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट में फिर बात वहीं पर आएगी कि जो जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टॉप पे होता है। साहब आप बताइएगा इस पर कि ये फायरवॉल का जो तजुर्बा है कितने मुल्कों में अब तक हो चुका है और क्या इसमें सदाकत है और इसमें कितनी कामयाबी मिल सकती है? देखिए पहली बात तो ये है कि इस ये जो बात की जा रही है टेलीविजन पे भी, आई थिंक इस पे कई दफा बात हुई है कि अमेरिका में और यूके में और वेस्टर्न कंट्रीज में है, तो आई थिंक उस पे तो बहुत सारे इदारों ने फैक्ट चेक भी कर दिया है अब, और उन्होंने फैक्ट चेक करके वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल ली है कि ऐसा कुछ नहीं है, और ये सिर्फ एक उस नैरेटिव को आई थिंक ज्यादा यू नो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश है। दूसरी बात ये है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, फंडामेंटल क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा आपके सुनने वालों के लिए। देखिए यहाँ पे हमें देखने में लग रहा है कि इंटरनेट को हुकूमत कोई अहमियत नहीं देती जी। अगर यही काम, एक मिनट के लिए सोचे, यही काम अगर लेट से बिजली के साथ करना होता तो क्या हम ये करते कि कुछ ऐसा काम करें कि 4 दिन 5 दिन 10 दिन लोड शेडिंग हो जाए मुल्क में? नहीं करते ना। तो लेकिन इंटरनेट के साथ इसलिए कर लिया क्योंकि इंटरनेट का हमें लगता है कि बस ठीक है, इंटरनेट बंद हो गया तो कोई मसला नहीं। और ये वाला जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना कि इंटरनेट को गवर्नमेंट कुछ समझ ही नहीं रही है कि उससे हो क्या रहा है, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मुझे लगता है ये सॉल्व करने की पहले जरूरत है और गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा बताने की जरूरत है। लेकिन साहब बिजली को भी हुकूमत कुछ नहीं समझती है, बिजली भी जाती है तो घंटों घंटों ही जाती है, उस पर भी हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। इंटरनेट का तो खैर मौजू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कितने भी फ्रीलांसिंग जो कम्युनिटी है उनको प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल ये मसला आ रहा है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, यही सवाल है कि जी अंडरप्ले किया जा रहा है सारे सिचुएशन को, इसकी सेंसिटिविटी कितनी हो सकती है, नुकसान कितना हो सकता है, क्या इसका इदराक ही नहीं है हुकूमती सतह पर? क्योंकि अभी कल की खबर है जी कि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उन्होंने $395 मिलियन एक हफ्ते में सिक्योर किया है स्टार्टअप्स के मद में जो है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, हमारे यहाँ पर जो नौजवान तबका है वो लोग इतने टैलेंटेड हैं, तो ये कहाँ जा रहे हैं हम? देखें ये सोचा ही नहीं जा सकता आजकल के मॉडर्न एज में कि जो पॉवर्टी एलिविएशन है किसी भी मुल्क में, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई और मुल्क हो, वो टेक्नोलॉजी के बगैर हो सकती है, ये सोचा ही नहीं जा सकता, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए जो AI रेवोल्यूशन आ रहा है, जो आपके इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कार रेवोल्यूशन आ रहे हैं, बैटरीज के लोग बना रहे हैं, लाइट से लाइट बैटरीज, उसके लिए आपको बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसमें इंटरनेट टॉप पे लिस्ट में है, टॉप लिस्ट पे है। तो अब जब वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी हम नेशनल टेलीविजन पर भी बैठ के सवाल कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि इंटरनेट होना क्यों जरूरी है पाकिस्तान में, तो फिर बाकी तो आप सबको छोड़ ही दे। असद बेग साहब आपसे जानना चाहूंगी, दुनिया वैसे वाकई चांद पे पहुंच गई है और अब भी हमें जी इंटरनेट के सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, हमारे पास इंटरनेट ही नहीं आ रहा, जबकि हम देखें तो अब ज्यादातर जो यूथ है वो ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा कर रही है, ऑनलाइन ज्यादा कमा रही है, तो डॉलर्स भी आ रहे हैं ऐसे में, तो डिजिटल बिजनेस को कितना नुकसान हो सकता है अगर ये बहाल ना हो और ऐसे इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार रहे तो? देखिए मेरी बहन, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। जो फेसबुक है माइक्रोसॉफ्ट है, ये जो कंपनीज हैं ये टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं, दुनिया का कैपिटल सबसे ज्यादा है इनके पास। लेकिन एक मिनट के लिए सोचें कि क्या अमेरिकन गवर्नमेंट ने खुद बैठ के फेसबुक बनाई थी? ऐसा नहीं था ना, बिल्कुल ऐसा। मार्क ज़करबर्ग फेसबुक हिमसेल्फ, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया था जी। सही है, बिल्कुल इसी तरह ही जब आप किसी भी मुल्क में, हमारे यहाँ इनोवेशन बहुत है, हमारे जो लोग हैं उन पे बहुत टैलेंट है, आप गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना होता है कि वो उनको एनेबलिंग एनवायरनमेंट फराहम करती है, और वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट में फिर बात वहीं पर आएगी कि जो जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टॉप पे होता है। तो यही वो काम है जो कि हमें चाहिए गवर्नमेंट को करने का पाकिस्तान में, और बिल्कुल उसका उलट हो रहा है यहाँ पे। लोग काम करना चाहते हैं लेकिन ये है कि उनके पास हर्डल्स ऐसी हैं कि वो नहीं कर पा रहे। देखिए मैं आई थिंक फरिया ने कवर कर लिया, मैं छोटी सी एक बात करूंगा। आपने 2016 में ये जरूर सुना होगा कि रशियन इन्फ्लुएंस हुआ था और अमेरिकन इलेक्शंस में जो डिसइंफॉर्मेशन थी वो फैलाई जा रही थी मैसेडोनिया से एंड सो ऑन।
इतनी बड़ी बात हो गई, आपका क्या ख्याल है कि अगर ये मसला बंद करने से हल होता तो अमेरिका में फेसबुक बंद ना हो चुकी होती अभी तक? तो बात यह है कि बंद प्लेटफॉर्म्स करने से कोई मसला हल नहीं होता, जो प्यूनिटिव मेजर्स हैं वो इसमें काम नहीं करते। आपको यू हैव टू वर्क विद द कम्युनिटी, आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा अपने मास्टर्स को, आपको ऐसे मेजर्स लेके आने पड़ेंगे जब आप एक लॉन्गर टर्म सोल्यूशन की तरफ जाएं। वो काम हमने करना नहीं है, आसान काम ये है कि एक्स को बंद कर दें या यू नो फिल्टरिंग सिस्टम लगा दें। मसला ये है कि उससे मसला हल नहीं होगा, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। देखिए मैं लाइक आई वाज सेइंग कि हम होप कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को समझ आ जाए कि हमारे लिए इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट है। आपने भी स्टार्टअप्स की एग्जांपल दी इंडिया के, मेरे पास 10,000 ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे पाकिस्तान से लोगों ने अपने करियर शुरू किए और अब वो जाके दुबई में और बाकी मुल्कों में कंपनीज बना रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं। ये होगा तो इसमें हमारा कोई भला नहीं है। गवर्नमेंट को सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि वो जो मेन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जिम्मेदारी ले ले और जो हमारे इनोवेटिव यंग लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको वो सिर्फ बेसिक सहूलियात फराहम कर दे। सिर्फ इतना करना है गवर्नमेंट को, बाकी वो खुद पॉवर्टी एलिवेशन कर लेंगे अपनी।